हाय दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हम ऊटी के बारे में जानेंगे, साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हम ऊटी कब जाए, ऊटी कैसे जाए, ऊटी में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हो, ऊटी में हम कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, और हम एंड में ये भी जानेंगे कि हमें ऊटी पूरा एक्सप्लोर करने कुल खर्चा कितना आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट अब तक मिलता जाए। अगर बात करें ऊटी कैसे पहुंचे, तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, बाय ट्रेन से, बाय फ्लाइट से, और थर्ड ऑप्शन है बाय रोड से। अगर बात करें पहले ऑप्शन की, बाय ट्रेन से, तो सबसे नियरेस्ट स्टेशन है कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक है ऊटी जाने के लिए। कोयम्बटूर से ऊटी जाने के लिए आपको 90 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा, जो कि आपको स्टेशन के बाहर प्राइवेट आपको बसेस मिल जाएंगी। उस बसेस से आप इजीली कोयम्बटूर से ऊटी पहुंच सकते हो। अगर बात करें फ्लाइट की, ऊटी जाने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोयम्बटूर एयरपोर्ट, जो कि आप इजीली जा सकते हो कोयम्बटूर से ऊटी। अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की फ्लाइट का ही, तो वो है बैंगलोर से डायरेक्ट ऊटी। अगर बात करें बैंगलोर से डायरेक्ट ऊटी जाने की दूरी, तो वो है 280 किलोमीटर, जो आप आगे का रास्ता बाय बस से या फिर बाय टैक्सी से तय कर सकते हो। अगर बात करें बाय रोड से, तो वो भी काफ़ी अच्छा रास्ता है, आप बाय बस से या फिर बाय कार से इजीली ऊटी जा सकते हो, क्योंकि जो रोड है वो काफ़ी टॉप रोड है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम ऊटी पहुंच चुके हैं। अब हम जान लेते हैं कि हम ऊटी में कहाँ पे रुके। ऊटी में आपको काफ़ी सारे प्राइवेट होटल्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको स्टेशन के बाहर या फिर हम बोल सकते हैं कि बस स्टैंड के बाहर आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे इजीली रह सकते हो, काफ़ी रिजनेबल रेट है। होटल का जो रेंट है वो 500 से 1000 के बीच में आपको इजीली मिल जाएगा, उसमें सारे अमेनिटीज आपको मिल जाएंगे, तो काफ़ी आपको आसानी होगी रूम सिलेक्ट करने में भी। अगर बात करें ऊटी में खाने पीने की, तो आपको ऊटी में काफ़ी अच्छा आपको फूड वहाँ पे मिल जाएगा, हर टाइप का आपको फूड वहाँ पे मिल जाएगा। अगर बात करें थाली सिस्टम की, तो वहाँ पे भी थाली सिस्टम भी अवेलेबल है, जो आपको 80 रुपये के बीच में आपको 150 या 200 के बीच में आपको इजीली थाली आ जाएगी, जो आपके हिसाब से आप ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ऊटी में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। ऊटी में हमें कम से कम 2 दिन का स्टे करना चाहिए, पूरा ऊटी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने। अगर पहले दिन की बात करें, तो पहले दिन हमें कुन्नूर में जाना चाहिए और ऊटी के साइट स्कैनिंग आपको देखने चाहिए। साइट सीन है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप लोकल के साइट सीन आपको देखने मिल जाएंगे। अगर बात करें दूसरे दिन की, दूसरे दिन आपको पैकरा में जाना चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छी प्लेस है, और हम विस्तार से जानेंगे कि हम पैकरा में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और हम कुन्नूर में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। अगर बात करें पहले दिन की, तो पहले दिन हमें ऊटी लेक देखना चाहिए, जो कि काफ़ी बड़ा झील है। आप वहाँ पे बोटिंग वगैरह कर सकते हो, बोटिंग का चार्जेस है 200 रुपीज पर पर्सन, हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो और वहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लेस है। अगर दूसरे प्लेस की बात करें पहले दिन ही घूमने के लिए, तो वह है ट्रेड गार्डन। यहाँ पे आपको ऑल टाइप ऑफ फ्लावर्स आपको देखने मिल जाएंगे, जो भी दुनिया में जितने भी फ्लावर्स है आपको वहाँ पे देखने मिल जाएंगे। अगर बात करें थर्ड प्लेस की पहले दिन घूमने के लिए, तो वो है कुन्नूर। आपको कुन्नूर जाने के लिए आपको ऊटी से टैक्सी करनी पड़ेगी, जो आपको 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको टी गार्डन देखने मिलेंगे, टी की फैक्ट्रीज वगैरह आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। अगर बात करें नेक्स्ट प्लेस की, तो वो है बोटानिकल गार्डन। 50 रुपीज एंट्री फीस है इस गार्डन की, और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। आप यहाँ पे फोटोशूट वगैरह इजी कर सकते हो, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी प्लेस है, आप यहाँ पे भी जरूर जाएं। अगर बात करें नेक्स्ट प्लेस की, तो वो है लैम रॉक्स। इस प्लेस से आपको पूरी ऊटी का नज़ारा देखने मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी प्लेस है और काफ़ी ऊंची प्लेस है, तो आपका काफ़ी अच्छी तरह से ऊटी का नज़ारा देखने मिल जाएगा। अगर बात करें आखिरी प्लेस की, जो हमें पहले दिन घूमनी चाहिए, वो है स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको यहाँ पे भी देखने मिल जाएगा। और लास्ट प्लेस है रोज साइलेंट। ये गार्डन में 50 रुपीज एंट्री फीस है, यहाँ पे आपको 200 से 250 टाइप के आपको फूल यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। अगर बात करें दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन हमें पैगरा घूमना चाहिए। अगर बात करें पैगरा कैसे जाए, तो आपको ऊटी से बाय कार करके आपको जाना पड़ेगा, वो भी 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है ऊटी से। तो अगर बात करें पैगरा में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो पहला है पाइन फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े बड़े पेड़ देखने मिल जाएंगे, जिनका आपको चार्जेस आपको देना पड़ेगा। टिकट सिस्टम है, आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट आपको लेना पड़ेगा। ये प्लेस बेस्ट प्लेस मानी जाती है फोटोशूट के लिए, और हॉर्स राइडिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो।
अगर बात करें प्यागरा में दूसरी प्लेस घूमने के लिए तो वो है ट्री पार्क। ये पार्क काफ़ी शानदार पार्क है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग शूटिंग करने भी आ जाते हैं। अगर बात करें थर्ड प्लेस की तो है वेलकम पॉइंट। यहाँ से आपको पूरी ऊटी का नज़ारा देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आप प्यागरा में शॉपिंग भी कर सकते हो, आपको हर टाइप की आपको यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी और काफ़ी रिजनेबल रेंट है। अगर बात करें प्यागरा में फिफ्थ प्लेस की तो है वाटरफॉल। प्यागरा वाटरफॉल यहाँ पे है, वहाँ पे आपको जाने के लिए 20 रुपीज़ एंट्री फीस है। आप देख सकते हो यह है प्यागरा वाटरफॉल, काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, तो आप यहाँ पे भी ज़रूर विजिट करें। इन सारे प्लेसेस पे हम कैसे घूमें, तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। आप बाय कार से भी घूम सकते हो या फिर बाय बस से भी घूम सकते हो। अगर बात करें बाय बस से तो यहाँ पे आपको लोकल बस मिल जाएंगी जो आपको 350 रुपीज़ में पूरे प्लेसेस घूमने मिल जाएंगे, या फिर आप बाय कार से भी घूम सकते हो जो अगर बात करें लोकल टैक्सी की तो वो 3,000 रुपये ले लेगा ये पूरी प्लेसेस घुमाने के लिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाय कार से ही पूरी प्लेसेस घूमें, क्योंकि अगर आप बाय बस से घूमने जाते हो तो वो बस वाला आपको काफ़ी लिमिटेड टाइम देगा आपको वो प्लेस एक्सप्लोर करने, और आपको आपके मन के हिसाब से घूमने नहीं मिलेगा क्योंकि उनका शॉर्ट टाइम रहता है, तो उनके हिसाब से आपको घूमना पड़ेगा और उनके हिसाब से आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैब करते हो, टैक्सी करते हो, तो आप आपके हिसाब से इजीली घूम सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टैक्सी से ही घूमें। बात करें कि हमें ऊटी कितने दिन रुकना चाहिए, तो ऊटी रुकने के लिए हमारे 2 दिन इनफ है। पहले दिन हम कुन्नूर की यात्रा करेंगे और दूसरे दिन हम प्यागरा की यात्रा करेंगे, तो 2 दिन में आपको ऊटी पूरी तरह से एक्सप्लोर करके हो जाएगा। मे बी आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 बजे के बीच में आप होटल छोड़ सकते हो, या फिर आपका अगर जल्दी घूमने हो जाता है तो दूसरे दिन आप रात को ही आप होटल छोड़ के निकल सकते हो आपके रिटर्न घर आने। सो ये थी ऊटी के बारे में कुछ जानकारी। अब हम जान लेते हैं कि हमें कुल खर्चा कितना आ सकता है। अगर बात करें कुल खर्चे की तो हमें 5,000 से 5,500 रुपये पर पर्सन खर्चा आ जाएगा। इसमें मैंने कोई भी आपका ट्रैवलिंग का खर्चा नहीं जोड़ा, आपको आपके घर से ऊटी आने तक का मैंने इसमें सिर्फ ऊटी आने के बाद जो भी खर्चा होगा यहाँ पे खाने पीने का, घूमने का, रहने का, यही खर्चा मैंने सिर्फ इसमें जोड़ा। इसमें कोई भी मैंने आपका घर से ऊटी आने का खर्चा या फिर आपका ऊटी में शॉपिंग करने का खर्चा नहीं जोड़ा। तो ये थी ऊटी के बारे में कुछ जानकारी। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।